इस वक्त सीधे हम आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीधे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर ही वहां पर मौजूद थे केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में। डॉक्टर प्रेम सिंह राणा साहब, बैन श्रीमती खंडूरी और यशवंत आर्य, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कोई अन्य नाम न होने के कारण विधायक दल पद के नेता के निमित्त श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को विधायक दल का नेता घोषित किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर एक मत थे। माता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कहूंगा एवं कृपा करके मंच पर आ जाए। चलो भाई बाइट ले लो। सीधा प्रसारण आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो मुख्यमंत्री चुना गया है, आप इस वक्त उनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम नेता उनको बधाई देते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री उनको गले लगकर बधाई देते हुए, केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक, बड़े नेता सतपाल महाराज, भगत सिंह कोश्यारी, तमाम वहां पर नेता मौजूद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से घोषित किया है। कल मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे और उनको तमाम लोग बधाई देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का के नाम का ऐलान आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में की है। और भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार बम्पर बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत मिला है। हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी लगातार जुड़ी हुई हैं। रमा, वो दृश्य हम देख रहे हैं देहरादून से सीधे, त्रिवेंद्र सिंह रावत काफ़ी, अगर ऐसे उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए तो लगता है कि मतलब उनकी ज़िंदगी में ऐसे एक सादगी सी दिखाई पड़ती है। कार्य कौशल जो है चलता है उसी तरह से, जब जब वो सरकार में रहे हैं तब तक जो उनकी क्षमता है या जो उनकी जो भी उन्होंने काम किए हैं उसका अगर आकलन किया जाए तो उसको देखते हुए उन्हें यहाँ पर वरीयता दी गई है।